बाराबंकी में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां देवा थाना क्षेत्र के गौरिया गांव में एक दोस्त गणेश यादव ने दोस्ती को शर्मसार करते हुए अपने करीबी दोस्त की 4 साल की बेटी को अपना हवस का शिकार बना लिया। 4 साल की बच्ची जो दिव्यांग है, हाथ पांव से मजबूर होने के साथ बोल और सुन भी नहीं सकती है, उसके साथ ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया है। घर से लापता हुई बच्ची की सूचना गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और लोगों ने घेराबंदी कर आरोपी गणेश यादव को पकड़ लिया, साथ ही पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल दिव्यांग बच्ची को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। नहायत ही विभत्स और दरिंदगीपूर्ण वाली घटना हुई है। 4 साल के बच्ची के साथ एक जवान व्यक्ति ने, जिसकी उम्र करीब 30-32 साल है, और उसने यहाँ पे रेप किया। और इसकी सूचना जैसे ही मिली, पुलिस ने अटेंड किया। उसके पिता उसको पहले सबसे पहले देखे और पुलिस ने सारी रात मेहनत किया, मुकदमा भी कायम किया, और रात में ही गांव वालों की मदद के साथ पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। लड़की को भेजा गया है मेडिकल के लिए ट्रामा सेंटर में, यहां से रेफर होकर ट्रामा सेंटर चली गई है। अभी फ़िलहाल लड़की की हालत खतरे से बाहर जा रही है, लेकिन नहायत ही दरिंदगी से पूर्ण घटना है। ये लड़की विकलांग भी है, और ये भी मालूम हुआ है कि दृष्टिहीनता भी है उसको। 4 साल के बच्ची के साथ इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय है, और पुलिस इसमें कठोरतम कार्रवाई करने जा रही है। गिरफ्तारी तो पुलिस ने उसे कर ही ली है, और उसमें हम NSA की भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। इंसानियत और दोस्ती को शर्मसार कर देने वाली इस घटना से इलाके के लोगों में रोष है और ऐसे कलंकी इंसान के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। बाराबंकी से मोहम्मद अरमान वारसी के साथ उमेश श्रीवास्तव, News 75.in।